अत शासी अभियंता ने न्यायालय में विधायक व साथियों द्वारा की गई मारपीट में दिया बयान। मैनपुरी अत शासी अभियंता विद्युत प्रथम महेंद्र कुमार के साथ 26 सितंबर 2014 को सदर सपा विधायक व उनके साथियों के द्वारा की गई मारपीट के मामले में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई थी। अभियंता श्री महेंद्र कुमार जी द्वारा स्पेशल जज SC/ST कोर्ट में आज बयान दिया गया है। इनके साथ सन 2014 में जो मौजूद में यहाँ पर तैनाती थे प्रशासकीय अभियंता के पद पर, तो यहाँ पर सदर विधायक राजकुमार यादव और राजेश रामलीवास श्यामवीर अभिनंदन प्रमोद कुछ साथी द्वारा साहब के साथ में मारपीट की गई। इनके साथ ज्यादा सूचक कार्यवाही की गई थी। इन्होंने अपना मुकदमा पंजीकृत कराया था और पुलिस विवेचना द्वारा राजनीतिक दबाव में FIR लगा दी गई थी। उस FIR को माननीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और आज न्यायालय में इनका बयान दर्ज कराया गया है। इसमें आज बयान देने आए हुए विधायक राजकुमार यादव, कभी तो माननीय लोगों के खिलाफ आपस के ऑडियो उनके वायरल होते हैं, कभी सरकारी कर्मचारियों से उनके मारपीट के मामले चलते हैं। ये माननीय शब्द बड़ा गर्मापूर्ण शब्द है और मुझे लगता है कि गलत व्यक्ति के सामने ये माननीय शब्द का प्रयोग किया गया था। ये हम लोग कानून के पुजारी लोग हैं, पीड़ित हमारी शरण में आता है और हम उसको न्याय दिलाने के लिए कोई माननीय की चिंता नहीं करते कभी कि कौन माननीय के खिलाफ हम पैरवी कर रहे हैं। चाहे कोई भी माननीय हो, कानून के तकाजे पर कानून सबके लिए बराबर है, संविधान में समानता का अधिकार है और माननीय हो चाहे जो हो, कानून का जो वायलेशन करेगा कानून अपना काम करेगा। सन 14 में यहाँ पर एज ए अधिशासी अभियंता पोस्टेड था PDD-1 मैनपुरी में। उस समय मैं 26 सितंबर को मैं मुख्य सचिव की VC अटेंड करने के वजह से अपने ऑफिस पहुँचा, तो उस समय राजकुमार जो तत्कालीन विधायक थे सदर के, वो मेरे चैम्बर में आए और उनके साथ 50-60 लोग साथ में थे और बिना किसी कारणवश कि कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी, कुछ ऐसी कोई वो घटना नहीं थी, आते ही मेरे साथ मारपीट करी और मुझको जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए मेरे जो मैं सरकारी कार्य कर रहा था उसको बाधा पहुंचाई और कुछ कागज थे सरकारी उनको फाड़ा उन्होंने और मुझे लगभग आधा घंटे तक बंधक बनाए रखा और मेरे मारपीट की, मेरे चोटें आई, मेरा फिर बाद में मेडिकल भी कराया मैंने और फिर मैंने इसकी अपनी सदर कोतवाली में इसकी FIR भी दर्ज कराई। तो उसी संदर्भ में आज मेरा बयान थे मैं आया हूँ और मैंने अपने बयान माननीय न्यायालय में दे दिए हैं और जो भी होगा मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है, भरोसा है, जो भी होगा तो न्याय मुझे मिलेगा।